नमस्कार दोस्तों, कोर डिजिटल लिमिटेड के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों, ये रिजल्ट हाफ ईयर एंडेड है। अभी के 6 मंथ का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस 6 मंथ के यहाँ पर, और प्रीवियस ईयर के रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। और दोस्तों, ये सारी अमाउंट लैक्स में है। तो टोटल रेवेन्यू जो पहले प्रीवियस ईयर में कंपनी की थी वो थी 616 लाख, यानी कि 6 करोड़ 16 लाख। उससे अब बढ़ के ये इनकम 15 करोड़ तक हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर इनकम यहाँ पर डबल हो चुकी है। और प्रीवियस टाइम की बात करें तो 15 करोड़ 11 लाख, तो थोड़ा सा स्लाइटली डिप है यहाँ पर इनकम में, ज़्यादा फर्क नहीं है। और नीचे अगर हम एक्सपेंस देखें कंपनी के, तो जो टोटल एक्सपेंस लास्ट टाइम थे वो थे 4 करोड़ 91 लाख, 4 करोड़ 91 लाख, जो कि अब बढ़ के 10 करोड़ 85 लाख हो चुके हैं, तो 10 करोड़ 85 लाख। तो लगभग एक्सपेंस भी डबल हो चुके हैं यहाँ पर। और प्रीवियस टाइम पे ये थे 12 करोड़, तो प्रीवियस टाइम के हिसाब से देखें तो एक्सपेंस यहाँ पे डिप हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हम नीचे नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेगा लास्ट में, यहाँ पे जो 93 लाख का पहले नेट प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर में, अब वो बढ़ के 3 करोड़ 10 लाख का हो चुका है दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया है। और प्रीवियस टाइम की बात करें तो 2 करोड़ 28 लाख, तो इसके मुकाबले भी काफ़ी बढ़िया जंप है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया है, और प्रीवियस 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया है। यहाँ पे इनकम भी बढ़िया कंपनी की, और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। और EPS भी देखें तो 3.71 से इंक्रीज़ होकर 9.95 तक, और प्रीवियस टाइम पे 9.07 था। तो कंपनी ने रिज़ल्ट बहुत बढ़िया प्रेजेंट किए। और अगर हम इसका एक बार फंडामेंटल्स देखें, फिलहाल इस कंपनी का शेयर 363 पे ट्रेड कर रहा था, और आज के दिन 4% की इसमें तेज़ी रही है, और जिसमें कि आज के दिन मार्केट काफ़ी गिरी है, फिर भी इसमें बढ़िया तेज़ी रही शेयर में। और इसका मार्केट कैप देखें तो 128 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का P23 पे है। और नीचे अगर हम बैलेंस शीट देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2020 से लेकर अभी तक डेटा दिखेगा। पहले कंपनी सेल्स 88 लाख थी, फिर 4 करोड़ 16 करोड़ 21 30, तो कंपनी ग्रोइंग मोड पे है दोस्तों। बढ़िया हिसाब से कंपनी सेल्स इंक्रीज़ कर रही है। और नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं इसका। नेट प्रॉफिट जो पहले कंपनी का 2 लाख था, 2 लाख से 26 लाख, 2 करोड़ 3 करोड़, अब लगभग 5.5 करोड़। तो दोस्तों 2 लाख से सीधा 5.5 करोड़, तो कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ये एक नैनो कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप मैंने आपको बताई दिया 123 करोड़। और रिजर्व्स और बोरिंग्स भी देखें तो रिजर्व्स 22 करोड़ के रिजर्व्स है इस पर, और बोरिंग्स है दोस्तों इस पर लगभग 2.5 करोड़ की, तो ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। 121 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 121 करोड़ के हिसाब से यहाँ पे दोस्तों, बल्कि 121 की जगह 128 करोड़ है, तो ठीक है। और ये कंपनी अभी हाल ही में आई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, हाल ही में ये लिस्ट हुई थी जून महीने में 2023, तो उस टाइम पे ये 181 पे था, और अभी फ़िलहाल 363 पे चल रही है शेयर। तो बढ़िया रिटर्न दे दिया इसने। तो दोस्तों आप इस कंपनी पर थोड़ी स्टडी कर सकते हो, और एक छोटी अमाउंट लगा के देख सकते हो। फिलहाल कंपनी ग्रोइंग मोड पर है, और कोई भी ऐसा साल नहीं गया कि कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट डाउन किया हो। हर साल कंपनी इंक्रीज़ करते जा रही है, 2 लाख से 26, 2 करोड़ 3 करोड़ और 5 करोड़। तो दोस्तों आप इस कंपनी पे एक छोटे अमाउंट लगा के देख सकते हो, और बाकी आप अपनी स्टडी करके तभी इस पर इन्वेस्टमेंट करने की सोचना। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।